दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं आईफोन SE 2020 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A51। अब एक है iOS डिवाइस, दूसरा है एंड्रॉयड डिवाइस, और जो प्राइस डिफरेंस है नो डाउट वो भी आपको दोनों ही फोन्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। आईफोन SE आता है 42,500 रुपीज़ का, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A51 आता है 25,250 रुपये का। तो करीब 17-18,000 रुपये का डिफरेंस आपको देखने मिलता है प्राइस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो क्या हमें इतना ही फीचर्स का भी डिफरेंस देखने को मिलता है, या फिर कम प्राइस के फ़ोन में मतलब A51 में ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यही कंपैरिजन इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के बारे में और ज़्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं दोनों ही फ़ोन के साइज से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आईफोन SE है ये हमें देखने मिलता है 4.7 इंच के स्क्रीन साइज़ के साथ में। जी हाँ, काफ़ी छोटा डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गैलेक्सी A51 की, तो ये आता है 6.5 इंच के स्क्रीन साइज़ के साथ में। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों आज के यूज़र्स की, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा मल्टीमीडिया कंज्यूम करना चाहेंगे, या फिर हम कैमरे को यूज़ करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गेम प्ले करते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमें नो डाउट बड़ा डिस्प्ले चाहिए होता है। और इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा जो स्क्रीन साइज़ हैं पिछले 2-3-4 साल में वो बड़े होते गए हैं नो डाउट। अगर हम बात कर रहे हैं 2014 की, 2015 की, तो आपको 4.5 इंचेस, 4.7 इंचेस के स्क्रीन साइज ही देखने को मिलते थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 2020 में, तो वहाँ पे कम से कम 6.4 इंचेस, 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज़ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आईफोन SE 2020 यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जबकि गैलेक्सी A51 हमें बहुत बड़ी डिस्प्ले के साथ में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो सिर्फ स्क्रीन साइज़ की बात थी, अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले को सामने की तरफ से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आईफोन SE 2020 में आपको बहुत सारे बेजल देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से आपको काफ़ी सारे बेजल देखने को मिलने वाले हैं, जबकि A51 में हमें बहुत ही नेरो बेजल देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कोई भी नॉच नहीं है और जो डिस्प्ले है वो इन्फिनिटी ओ है। इसके अलावा जो बेजल साइज़ या फिर हेडोट जिनका साइज़ है वो बहुत ही कम है, तो ऑलमोस्ट हमें फुल व्यू एक्सपीरियंस होगा गैलेक्सी A51 में, जबकि आईफोन SE 2020 में आपको स्क्रीन पे या डिस्प्ले में इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बेजल्स काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं। अब यहाँ पर मैं स्क्रीन की बात करी ना हूँ तो आपको डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ। जो आईफोन SE है ये आपको मिलता है एक HD+ डिस्प्ले के साथ में। जी हाँ, यहाँ पर आपको रेटिना HD डिस्प्ले देखने को मिलता है, मतलब कि 720 पिक्सल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी A51 में दिया गया है एक सुपर एमोलेड पैनल, और ये आता है फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में। हालांकि दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आईफोन का डिस्प्ले है वो ख़राब है, यहाँ पर आपको अच्छे कलर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो आईफोन का डिस्प्ले है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं सुपर एमोलेड पैनल से, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी कंप्लीट कर पाएगा। और सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो आप जानते ही हैं, जहाँ पर हमें काफ़ी पंची और वाइब्रेंट कलर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें डीप ब्लैक काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, कंट्रास्ट रेशियो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करेंगे मूवीज़ की, वीडियोस की या फिर गेमिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि आईफोन SE में आपको कहीं से भी अच्छा देखने को मिलने वाला है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली गैलेक्सी A51 के साथ में। बात करते हैं डिज़ाइन की, तो दोनों ही फ़ोन्स का रियर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं कहूँगा कि नो डाउट दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और एलिगेंट लुक के साथ में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो वहाँ पे आईफोन के पास में थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि ये आपको मिलता है पीछे से भी ग्लास बिल्ड के साथ में, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A51 आता है एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी से बना हुआ। हालांकि यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो नो डाउट काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर भी हमें काफ़ी प्रीमियम फील होगा, और ये जो बैक फिनिश है इसका ये आपको ग्लास की तरह ही देखने को मिलेगा। तो नो डाउट बिल्ड क्वालिटी आपको आईफोन SE की थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं लुक एंड फील की, तो वहां पे मैं नहीं कहूंगा कि A51 कहीं से भी कम है आईफोन SE के कंपैरिजन में। जी हाँ, ये भी आपको काफी अच्छे लुक के साथ में देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं यहां पर कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों डिफरेंस आप देख ही सकते हैं, एक फोन में दिया गया है सिंगल कैमरा, दूसरे फोन में दिया गया है क्वाड कैमरा सेटअप। जी हाँ, आईफोन SE 2020 में हमें देखने को मिलता है एक सिंगल कैमरा जो कि है 12 मेगापिक्सल का, और ये आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, जबकि A51 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, और जिसको प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का, ये भी आपको मिलता है f1.8 अपर्चर के साथ में। इसके अलावा यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और 5 मेगापिक्सल का ही माइक्रो सेंसर भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऑब्वियसली
जब आपको A51 में इतने सारे कैमरा मोड्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब फोटोग्राफी करने के ऑप्शन भी काफ़ी सारे होंगे, जो कि मेरे हिसाब से आईफोन SE में पॉसिबल नहीं है। हालांकि दोस्तों यहां पर मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आईफोन SE का जो कैमरा है वो अच्छा नहीं है, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी हमें काफ़ी इंप्रेसिव शॉट्स देखने को मिलते हैं, और वैसे आप दोनों ही फ़ोन्स की पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि अलग अलग कंडीशंस में दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात यहाँ पर मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आईफोन SE है ये आपको थोड़े से नेचुरल शॉट देगा, मतलब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट या फिर अट्रैक्टिव कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि दोस्तों हम स्मार्टफोन के कैमरा में सबसे पहले देखते हैं, वो आईफोन SE में थोड़ी सी मिसिंग है या फिर किसी भी आईफोन में मिसिंग होती है। जबकि अगर हम A51 की पिक्चर्स को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कलर हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और अट्रैक्टिव कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ पोर्ट्रेट सैंपल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालाँकि अगर हम बात करते हैं वाइड एंगल पिक्चर्स की, तो वो आईफोन SE में आपको बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई डेडिकेटेड कैमरा सेंसर नहीं दिया गया है वाइड एंगल के लिए, जबकि आपको A51 में ये देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैक्रो सेंसर भी आपको गैलेक्सी A51 में देखने को मिल जाता है, तो कुछ ऐसे अमेजिंग शॉट्स आप ले पाएंगे। और दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लो लाइट कंडीशंस की फ़ोटोज़ की, तो वहाँ पे भी आपको नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है गैलेक्सी A51 में, और ये भी आपको आईफोन SE में देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ और अच्छी इमेजेस आपको A51 में देखने को मिल सकती हैं कुछ अलग अलग कैमरा मोड्स के थ्रू, जो कि आईफोन SE में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल कैमरा ही दिया गया है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे भी हमें मैसिव डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आईफोन SE 2020 में, जबकि गैलेक्सी A51 में दिया गया है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और कुछ सैंपल शॉट आप यहाँ पे देख ही सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कौन से फ़ोन की पिक्चर्स आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए बैटरी की, तो यहाँ पर भी हमें मैसिव डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि आईफोन SE आता है सिर्फ 1820 mAh की बैटरी के साथ में, वहीं सैमसंग गैलेक्सी A51 में देखने को मिलता है 4000 mAh का बैटरी। और दोस्तों इस आईफोन SE को मैं पिछले 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे एक दिन में 2 बार फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, मतलब आपका यह फ़ोन एक दिन भी पूरा नहीं चलेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं गैलेक्सी A51 की, तो ये आराम से एक दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी बैटरी चल जाए अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन जो आईफोन SE है वो आपको दिन में 2 बार चार्ज करना ही पड़ेगा, तो बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ चार्जिंग स्पीड की, तो हालांकि आईफोन SE फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है 18 वॉट की, लेकिन बॉक्स में हमें सिर्फ 5 वॉट का चार्जिंग देखने को मिलता है। जी हाँ, हम 2020 में बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपको इनबॉक्स 5 वॉट का चार्जर देखने को मिल रहा है, जबकि वहीं पे सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको इनबॉक्स ये चार्जर भी इंक्लूड होता हुआ दिखाई देगा, मतलब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बॉक्स में ही देखने को मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, आईफोन SE में हमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, लेकिन वो चार्जर भी हमें अलग से परचेस करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इनबॉक्स कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो जो आईफोन SE 2020 है ये आपको मिलता है एप्पल की लेटेस्ट A13 बायोनिक चिप के साथ में, और वहीं अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A51 की, तो ये हमें देखने को मिलता है एक्सिनोस के 9611 चिपसेट के साथ में। अब दोस्तों नो डाउट आईफोन SE 2020 में हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा अगर हम कंपेयर कर रहे हैं गैलेक्सी A51 से, क्योंकि यहाँ पर जो चिपसेट है वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन दोस्तों जो परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है वो काम भी तो आनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी छोटी सी स्क्रीन पे आप बहुत अच्छी गेमिंग नहीं कर पाएंगे। गेमिंग अच्छा स्मूथ चलता है, पबजी की बात करते हैं, अल्फाइट 9 की बात करते हैं, तो ये काफ़ी स्मूथ चलते हैं, लेकिन छोटी सी स्क्रीन पे इसको खेलने का मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छी गेमिंग करने के लिए हमें बड़ा डिस्प्ले चाहिए होता है, जैसे कि हमें गैलेक्सी A51 में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप बहुत अच्छी मल्टीटास्किंग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्प्ले छोटा है। इसके अलावा जो बैटरी लाइफ मैंने आपको बताया वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन इसे हम पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे इसकी छोटी स्क्रीन की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं इसकी बैटरी लाइफ की वजह से। और अगर हम वहीं पे बात करते हैं एक्सिनोस 9611 चिपसेट की, तो ये एक डिसेंट चिपसेट है, काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हम सैमसंग के काफ़ी सारे डिवाइसेस इसी चिपसेट के साथ में देख चुके हैं, तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, चाहे हम बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, चाहे हम बात कर लेते हैं अपने डेली यूजर्स की, या अगर हम बात कर रहे हैं मल्टीटास्किंग की,
ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो आपको स्टोरेज के बारे में बता देते हैं। जो आईफोन ऐसी है ये हमें देखने मिलता है 3GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ में। कुछ और वेरिएंट ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे 128GB और 256GB, लेकिन उनका जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं गैलेक्सी A51 की तो ये आपको मिलता है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में। यहाँ पर आपको 8GB रैम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन जो प्राइस है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर हमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप 128GB से भी ज़्यादा और बढ़ाना चाहते हैं तो मेमोरी कार्ड लगा के और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिम स्लॉट की बात की जाए तो वहाँ पर भी आईफोन SE में आपको सिर्फ सिंगल स्लॉट ही देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक नॉर्मल सिम कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है, जबकि A51 में आपको दो सिम कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है, तो आप दो सिम कार्ड लगा सकते हैं। हालांकि आईफोन SE में भी आप दो सिम कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है सेकंड सिम का, वो ई सिम के थ्रू होता है। लेकिन A51 में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप अपनी दो सिम AC कार्ड स्लॉट में लगा सकते हैं। साउंड की बात करते हैं तो वहां पे मैं कहूंगा कि आईफोन SE थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि यहां पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। गैलेक्सी A51 में मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं, लेकिन हां दोस्तों एक एडवांटेज गैलेक्सी A51 के पास में है, क्योंकि यहां पर आपको 3.5 जैक देखने को मिल जाता है, जो कि आपको आईफोन SE में देखने को नहीं मिलता है। तो ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छी चीज़ है गैलेक्सी A51 के लिए। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की तो आईफोन SE में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा सामने की तरफ, जिसको कि आप होम बटन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं A51 की तो यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों कुछ और चीज़ों की, तो गैलेक्सी A51 में आपको सैमसंग पे फीचर देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को स्टोर करके पेमेंट कर सकते हैं सिक्योरली। वैसा आपको एप्पल के फोन्स में देखने को नहीं मिलता है इंडिया में। हालांकि एप्पल पे है लेकिन इंडिया में ये काम नहीं करता है, लेकिन सैमसंग पे इंडिया में काम करता है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ऐसे कई सारे फीचर जैसे कि ड्यूअल ऐप्स या फिर सिक्योर फोल्डर, ऐसे कई सारे फीचर आपको गैलेक्सी A51 में देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमें आईफोन में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, आईफोन SE के पास एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर IP67 रेटिंग दी गई है, जो कि आपको गैलेक्सी A51 में देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं OS की तो iOS के साथ में आपको देखने को मिलते हैं एप्पल के सारे फ़ोन। तो आईफोन SE भी आपको iOS 13 के साथ में देखने को मिल रहा है, जबकि गैलेक्सी A51 आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड OS के साथ में। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी चॉइस है कि आपको जाना है एंड्रॉयड के साथ में या फिर iOS के साथ में। iOS थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर होता है, लेकिन जो एंड्रॉयड है ये ओपन प्लेटफॉर्म है, तो दोस्तों यहाँ पर आप पूरी तरह से फ्री होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए या फिर किसी भी तरह से कस्टमाइजेशन करने के लिए अपने OS में, जो कि आपको आईफोन या फिर एप्पल का कोई भी फ़ोन नहीं देता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा OS ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों कुछ इस तरह के कंपैरिजन बनता है इन दोनों ही फ़ोन का, और मैं नो डाउट यही कहूँगा कि जो कम प्राइस वाला फ़ोन है गैलेक्सी A51, उसमें हमें आईफोन SE से ज़्यादा फीचर देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, प्राइस का डिफरेंस है लगभग 17-18 हज़ार रुपये का, लेकिन जो फीचर्स हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो गैलेक्सी A51 में हैं। चाहे फिर अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, चाहे हम बात कर लेते हैं कैमरा की, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं बैटरी की या फिर किसी और भी चीज़ की, नो डाउट गैलेक्सी A51 आईफोन SE 2020 से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो अब आपको चॉइस करना है कि आपको कौन से फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, गैलेक्सी A51 या फिर आईफोन SE 2020। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।